आश्वासन पर पेट कैसे भरे साहब, सामान तो पैसे से ही मिलता है। कुछ ऐसा ही कहना आजमगढ़ नगर पालिका में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों का है, जो हड़ताल पर बैठ गए और आक्रोश इतना बढ़ गया कि पालिका प्रशासन व पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंक दिया। नगर पालिका परिसर में धरना दे रहे यह कर्मचारी नगर की सफाई व्यवस्था को कायम रखने में ठेके पर अपनी सेवाएं देते हैं। इनका आरोप है कि वह अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे देने के नाम पर उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है, जिसके कारण वह परेशान है। जब सुनवाई करने वाला ही उनकी नहीं सुन रहा और अब यही उनके पास रास्ता बचा है। इन कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने कल भी धरना दिया था और आज तो उन्होंने नगर पालिका आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष का पुतला भी फूंका है। समस्या ये है हम लोगों का कि सोमवार से हम लोग 9 तारीख के सुबह से हड़ताल पर बैठे हैं। 3 महीना हो गया जनवरी से। शासी अधिकारी चार्ज लिए हैं एसडीएम साहब और चेयरमैन साहब दोनों लोग मिल के आश्वासन दे के हम लोगों से काम करा रहे हैं 3 महीने से, और वेतन मांग रहे हैं तो सांस नहीं ले रहे हैं। एक बार भी हम लोग भूख से मारे मर रहे हैं, इसलिए हम लोग पुतला फूंके हैं। 90 कर्मचारी हम लोग हैं ठीके वाले। एडीएम साहब का चेयरमैन साहब का दोनों लोग का पुतला हम लोग फूंके हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग को पैसा दे, हम लोग काम पे जाए अपने। नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर पुतला फूकेंगे, लास्ट चिट्ठी करेंगे, महाराज जी लिया के रखेंगे कल से यहाँ नगर पालिका में। सबकी तरह ही करेंगे हम लोग, कल से ले आएंगे महाराज जी या कुकुर बिलार मारा आदमी, अपने घर के बीमार बच्चे, घर के बूढ़े बीमार, सबको लिया के नगर पालिका में रखेंगे कल से। मामले में कितना सच है और आरोपियों में कितना दम है, यह जानने के लिए जब हमने अधिशासी अधिकारी का चार्ज लिए एसडीएम सदर से पूछा तो उनका कहना था कि इन लोगों का नवंबर तक का वेतन इनके खाते में आज जा चुका है और बचा हुआ भुगतान भी जल्द ही उनके खाते में चला जाएगा, पहले वो अपना अकाउंट चेक करें।